कांग्रेस की आलाकमान के साथ बड़ी बैठक हुई है। साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर यह फैसला लिया गया है। कर्नाटका और हिमाचल के तर्ज पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और प्रभावशाली नेता अपने क्षेत्र में करेंगे लीड। राहुल गांधी ने दी है बीजेपी के ट्रैप में से बचने की सलाह और बैठक में सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया है। तो आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस आलाकमान की ये बड़ी बैठक जिसमें चुनाव को लेकर खाका तैयार किया गया, साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर यह जोर दिया गया है। कर्नाटका और हिमाचल के तर्ज पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब सरकार होती है, और ये स्वाभाविक बात है, आप इसको कतई नेगेटिव नहीं, मैं ओपनली कह रही हूँ, हमेशा होता है। सब लोगों ने यही बात कही कि हम सब, जैसे पिछली बार चुनाव में, उस समय हम निसंदेह ऑपोजिशन में थे, जिस तरह से उस समय मिलकर हमने चुनाव लड़ा, इस बार फिर उसी जज्बे के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी ने आगे के लिए भी कि सब हम मिलकर समाज के सभी वर्गों को, उनका भी यही था कि सभी वर्गों को हमने साथ लेकर चलना है और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में हम कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप जो है वो शॉर्ट टर्म है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो इन सब बातों से ऊपर है, ऐतिहासिक रूप से भी और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी हमारी विचारधारा है जो देश को, समाज को आगे रखती है, और हमारी गाइडिंग फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी की या हमारी किसी भी सरकार की, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, आज बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ कांग्रेस की देश की राजधानी दिल्ली में, जिसमें रणनीति बनी है, मंथन बना है, हिमाचल और कर्नाटका के तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा और अपनी अजय यात्रा को बरकरार रखा जाएगा। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गढ़ के लिहाज में जाना जाता है और कांग्रेस यहाँ पे बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा और ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। शायद उसके पीछे एक वजह ये भी रही है कि कांग्रेस ने किसान जो वर्ग है, जो कि सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है और वोट बैंक के लिहाज से सबसे मजबूत वर्ग माना जाता है, को साधने में कांग्रेस पार्टी या छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार इसमें। आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उस बयान को भी देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये उन्नति और प्रगति का जो है प्रतीक है। तो जाहिर तौर पर सरकार की जो योजनाएं रही है, या जिसे छत्तीसगढ़ मॉडल करके प्रचारित किया गया है, जिसमें किसान न्याय योजना है, मजदूर न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके बलबूते पर छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी। तो अब तो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तो जाहिर है ये तमाम योजनाएं केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं और इसी के आसपास जो है रणनीति तय होगी और उसे ही जनता के बीच ले जाने की कोशिश होगी, और शायद इन मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई है आज की बैठक में। तो बिल्कुल वैभव, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से लबरेज है, और जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल के चलते ही दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा था। और अब देखिए, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से एक टिप्स भी दी है कि बीजेपी के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। बिल्कुल, दरअसल जो कोशिशें कर्नाटक के भीतर में हुई या मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ की सरकार आने के कुछ साल बाद जो प्रयास हुए थे, उसके मद्देनज़र ये नसीहत ज़रूर दी गई है कि चुनाव के दौरान ऐसी कोशिशें होती रहती है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2018 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस दौरान कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे रामदयाल उईके,
उसे बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था, ये अलग बात थी कि बीजेपी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इन तमाम विषयों को देखते हुए एक सचेत रहने की जो है सलाह दी गई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को, यहाँ के नेताओं को, कि ऐसे किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि बीजेपी तो एक एजेंडा चला करके चुनाव लड़ना चाहती है और छत्तीसगढ़ में वो एजेंडे जो है धरातल पर ले जाने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें एक धर्म का ठीक है वैभव विस्तार से जानकारी साझा करने